उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको हम करें, कैसे ओवरकम करें। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई भी समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे आज के एजेंडा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी वो पुअर प्रैक्टिसेस है, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है। वही नहीं, हम हमारे आजू बाजू, हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, हम उन चीजों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी चीजें हैं जो हमारे टाइम को खराब करती है, जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है। दोस्तों एक बार हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये चीजें क्या है, मैं आपको बताऊंगा 8 टिप्स, 8 ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे, हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव यू नो काम करने का स्पीड, इसकी जो बात कर रहे हैं, तो हम चलिए हम देख लेते हैं कि ये चीज है, व्हाट इज दैट प्रोडक्टिविटी रियली मींस टू अस। ठीक है, तो दोस्तों आप सब अग्री करोगे, मैं, आप, यहाँ पे जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं और आजू बाजू में या हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब एक चीज से अग्री करेंगे कि आपको, मुझे और हम सबको सेम 24 आवर्स मिलते हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जिसको 24 घंटे से ज्यादा मिलते हैं। तो मुद्दा ये है कि ये जो 24 घंटे हमें मिलते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। 24 घंटे को हम कैसे यूज करते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्टिविटी का, काम करने के स्पीड का। व्हाइल मोस्ट पीपल फील प्रोडक्टिविटी इज मोर वर्क डन इन लेस टाइम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यू नो प्रोडक्टिविटी का मतलब है बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना। द ट्रू डेफिनेशन इज ठीक है दोस्तों, तो यस, बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना शायद सही हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही या परफेक्ट ये है कि हम सही चीजें सही समय पर और सही तरीके से करें। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार दोहरा देता हूं, बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना सिर्फ यही प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी वो है जहां पे हम सही काम सही तरीके से सही समय पे करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सब लोग जो मैंने अभी कहा वो समझ गए हो तो कृपया चैट विंडो पे आइए और मुझे क्विकली यस लिख के भेजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोडक्टिविटी है क्या, ठीक है, हमने एक थॉट हमारे दिमाग में अब हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखें क्या वो चीजें हैं, ठीक है, जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोक रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है उससे, और हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यू नो ये प्रोडक्टिविटी होती है, क्यों मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाता हूं, तो इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज जिसके वजह से यू नो हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, वो है मेंटल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, मेंटल लॉकडाउन। तो एक लॉकडाउन है जो हमारी सरकार ने लगा के रखा हुआ है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और एक लॉकडाउन है जो हमने हमारे माइंड पे लगा के रखा हुआ है। जी हाँ, और ये माइंड पे लगा के रखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल है हमारे मन में, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब मैं अपने दोस्तों से जाके मिलूंगा, बाहर का वातावरण कब बदलेगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये इतने सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं और हम इनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ये सारे जो चीजें हैं इससे हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट होता है, इससे हमारे स्पीड को अफेक्ट होता है, क्योंकि हम हमारा सारा समय इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में निकालते हैं। हम हमारा सारा समय जो है ये सोचने में लगा देते हैं कि अरे बाप ये सब कब खत्म होगा पता नहीं। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा बाजू में रखें और हमारा फोकस हमें जो काम करना है उस पे करें, तो दोस्तों हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो 8 चीजें, अगर आप उस जो आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे।
जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मेंटल लॉकडाउन है इसके वजह से जो और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में जो हम समय लगाते हैं, जिसके वजह से हम जो एक्चुअल काम करना है वो कर नहीं पाते, इसी वजह से हम समय को भी मैनेज नहीं कर पाते, पुअर टाइम मैनेजमेंट रहता है हमारा, हम बिल्कुल किसी चीज को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेंटली जो हमारे प्रॉब्लम है उसके वजह से हम समय को मैनेज नहीं कर पाते। अब सिर्फ ये एक ही चीज नहीं है दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है या हमारे स्पीड को कम करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे आजू बाजू में भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अगर हम घर से काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं जो शायद अभी भी घर से काम कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, या मैं बोलूंगा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है घर से करे तो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर दोस्तों जो है एम्बियंस, हमारे घर का माहौल। ठीक है, होता यह है कि जब हम घर में होते हैं तो हम थोड़ा सा आराम से होते हैं, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम से चला यही आ रहा है कि काम जो है वो ऑफिस में करना है और घर जो है वो थोड़ा सा आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। इसके लिए घर का माहौल, घर का मूड, घर का कंफर्ट लेवल थोड़ा अलग होता है। अब जबकि अचानक से हमें उस लेवल पे जाके काम करना है जहां पे हम बहुत ज्यादा आराम करते हैं, तो होता यह है कि वो हम उसका बैलेंस नहीं कर पाते, और बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बैलेंस दिस, इट इज स्ट्रेट अवे अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, इसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर, जो है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार तो हम एग्जांपल देता हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बता देते हैं घर में, या मेरी अभी मीटिंग है आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, लेकिन होता है कि बाहर अगर कुछ आवाज डिस्कशन चल रहा है या उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ती है, हम उससे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रैक्शन इवेंचुअली हमारी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट। तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो है वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन जब घर पे होते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम उनके घर के कामों में उनका हाथ बंटाएं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। दोस्तों एक्सपेक्टेशन तो उनकी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने एक दो मिनट पहले बताया, बहुत टाइम से ऐसा रहा है कि घर एक ऐसी चीज है जहां पे हम काम नहीं करते हैं, तो घर में हम घर के काम करते हैं, घर वालों का हाथ बताते हैं। लेकिन अब जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारे फैमिली मेंबर जब हमको बोलते हैं कि भैया मेरा थोड़ा हाथ बटा दो इसमें या ये कर दो, शायद उनको याद नहीं होता कि वो समय जो है, जिस समय पे वो हमें पूछ रहे हैं, वो समय हमारा काम करने का है, और अगर हमने वो डिसीजन गलत ले लिया तो स्ट्रेट अवे वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और चौथी चीज देखते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, वो है मीडिया। हम घर पे होते हैं, हमारे पास बहुत ही आसान एक्सेस है, टीवी है, बहुत सारे और मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसका हमारे बहुत इजी एक्सेस है अभी फिलहाल। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर कोई न्यूज़ चल रही है, आप अंदर के रूम में बैठे हुए हो, तो इट इज़ वेरी इजी, आप बस अपना लैपटॉप या अपना जो भी काम है उसको साइड में रखे आप जाके न्यूज़ देख सकते हो। इसके लिए हम बहुत एंग्शियस रहते हैं टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो, वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है हमें, और बार बार हमारा ध्यान जो है वो उसी तरफ जाते रहता है। अब हमारा बार बार ध्यान उसी तरफ जाते रहा तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को वो अफेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हो सकता है कि इनको छोड़ के भी और फैक्टर्स हो सकते हैं जो शायद आप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करें, लेकिन ये चार महत्वपूर्ण चीजें हैं जो डेफिनेटली हर एक की प्रोडक्टिविटी को वर्क फ्रॉम होम में अफेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब अब जैसे कि हमने देखा कि घर पे जो मेरे काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है सचिन। ठीक है, अभी देखते हैं कि सचिन के लाइफ में क्या दुविधा है। ठीक है, तो एक प्रश्न है स्क्रीन पे जो मैं पढ़ूंगा, इस प्रश्न के कुछ ऑप्शंस होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके आंसर्स चैट विंडो पे ना दे, मैं प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, ऑप्शंस आपको बताऊंगा, फिर मैं एक पोल रिलीज करूंगा, आपको
इस प्रश्न का उत्तर उस पोल पे देना है दोस्तों, ठीक है। क्या है, सचिन मेरा दोस्त है जो एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है और उसे अभी ऑफिस बुलाया गया क्योंकि वो फैक्ट्री से बहुत ही नजदीक रहता है। तो जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, मतलब 2-3 महीने पहले, सचिन एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय था, अभी भी है, मगर उस टाइम पे उसकी काम बहुत बढ़िया तरीके से होती थी। अब उसकी दुविधा ये है, ही इज नॉट श्योर ही विल बी एबल टू बी एज प्रोडक्टिव एज ही यूज्ड टू बी। मतलब अब उसको दुविधा ये है कि पता नहीं मैं उतना प्रोडक्टिव हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है लिमिटेड स्टाफ वर्किंग विथ हिम। हम सब जानते हैं फैक्ट्री या कंपनियां खुली है लेकिन फुल स्ट्रेंथ से नहीं खुली है, ठीक है, तो स्टाफ लिमिटेड होने कि वजह से शायद उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, ऐसा उसे लगा। फियर अबाउट हिज ओन वेल, उसे डर है कि यू नो मैं अभी फैक्ट्री जाऊंगा आऊंगा आते जाते मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई तो। या काम करने का तरीका दोस्तों बदल गया है, ठीक है, आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे जूम के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, शायद सचिन को डर है या उसको ऐसा लगता है कि यू नो बिकॉज आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद जूम, मुझे ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो उसकी वजह से शायद मेरी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट हो सकता है। या ये सारे फैक्टर्स, लिमिटेड स्टाफ, फियर अबाउट नॉट बीइंग वेल ऑन हिमसेल्फ, या फिर अनफेमिलियर विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ओपिनियन पोल शूट कर रहा हूँ दोस्तों, पोल शूट होगा, आपको 1 मिनट मिलेगा, आप अपना ओपिनियन उस पोल पे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट दीजिए मुझे, ओपिनियन पोल अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ये आपके स्क्रीन पे, और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर देना भी चालू कर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तीस सेकेंड हो गए, हम 30 सेकेंड और रुकेंगे। हमारे कुछ दोस्त है जो अभी भी शायद सोच रहे हैं, सचिन जो मेरा दोस्त है जो फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है, वो फैक्ट्री में बुलाया गया है क्योंकि वो फैक्ट्री से नजदीक रहता है दोस्तों। श्योर नहीं है वो कि अभी वो उतना प्रोडक्टिव हो पाएगा जितना वो पहले था, तो क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, 1 मिनट खत्म होने के लिए 3 सेकंड बाकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने आंसर दिया ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द 4th one, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और यही सही आंसर है। और ये क्यों है ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे ऑफिस में, मेरे वर्कप्लेस में है, जिनकी वजह से शायद मैं, मेरी प्रोडक्टिविटी या मेरे काम करने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे वो फैक्टर्स। शुरू करते हैं, सबसे पहला फैक्टर लैक ऑफ स्टाफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सचिन के एग्जाम्पल में, खुल तो गई है, फैक्ट्रीज खुल तो गई है, लेकिन पूरा स्टाफ काम पे नहीं जा सकता है। तो कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको घर से काम करना पड़ेगा। अभी सचिन जैसे लोगों की उन्हें कोई सहायता चाहिए, उन्हें कोई हेल्प चाहिए, उन्हें किसी और का काम करना। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और दूसरा भी एक काम है, अब मेरा जो कलीग है वो ऑफिस नहीं आया तो मुझे उसका काम भी करना पड़ रहा है। अगर उसके काम में मुझे कोई क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा या उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम और जाएगा, इसके वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज। जैसा कि हमने देखा कि शायद सचिन और उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे प्लेटफॉर्म से अभी भी वाकिफ नहीं होंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा। अब हम सबको लगेंगे स्मार्ट डिवाइसेस, एक बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन लगेगा दोस्तों। ये सारी चीजें कुछ लोगों के पास होंगी, कुछ लोगों के पास नहीं होंगी। जिनके पास नहीं होंगी डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट होगा, डेफिनेटली।
क्योंकि अभी मीटिंग्स हमें जूम या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी, तो अगर हम उस पे उससे कम्प्लीटली ये को अफेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज ये कॉमन है, जो मेरे दोस्त जो घर से काम कर रहे हैं और जो मेरे दोस्त ऑफिस से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, जो है डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, आजू बाजू में जो नॉइज होता रहता है, बैकग्राउंड में नॉइज होता रहता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। अब हम वीडियो कॉल पे है, अब देखिए मैं भी वीडियो कॉल पे बैठा हूँ, अगर मेरे पीछे आके किसी ने फट से ऐसे हाथ वाथ हिला दिया तो मुझे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से मेरे माइंड को वापस लेके आके इस पे फोकस करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। मतलब मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, इसका लॉस हो जाएगा क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा, वैसे लोगों का हो सकता है और ये स्ट्रेट अवे आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, चौथा फैक्टर देखते हैं जो है अननेसेसरी मीटिंग्स। या देखिए अभी वो दौर है दोस्तों जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, जो मैनेजर्स है, जो लीडर्स है, बहुत सारी चीजें जो है वो नई नई आती होंगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है सुबह आके हमारे साथ कोई बात करे और बोले भैया ये चीजें करनी है, तुरंत दोपहर को आके कोई चीजों के बारे में भी बात करे, तो कम्युनिकेशन हो सकता है और ओवर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों दिक्कतें नहीं है हमारे लिए, ये दोनों हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगी। जो तीसरी चीज है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, जो है अननेसेसरी मीटिंग्स। ठीक है, तो अगर हम स्मार्ट है तो हमें करना यह है कि एज पॉसिबल ये अननेसेसरी मीटिंग्स को अवॉइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, दैट्स एंजाइटी। हम सब लोग जो है, जो भी ऑफिस जाने वाले मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हम कितना भी कहें, कुछ भी कहें, हमारे मन में एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है, यू नो, कि कैसे है घर पे सब लोग, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही हम ऑफिस पहुंचते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं या फिर हम काम कर, ठीक है, बातचीत होती है। अब होता यह है कि हम इतने एंग्शियस है और ना जो आजू बाजू में जो सिचुएशन इतनी खराब है कि यू नो हम फट से वो कॉल उठा लेते हैं या हम फट से कॉल कर लेते हैं। अब अगर ये हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम जो है वो हम खा लेंगे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे आएंगे और इसको बताएंगे। अब फिलहाल हमारी जो डिस्कशन चल रही है कि वर्क प्लेस में या ऑफिस में जो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है वो किन किन चीजों से होती है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, यू नो, ये एक ऐसा वर्ड है जो पिछले 2-3 महीनों से सुनते आ रहा हूँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, न्यूज में बहुत बार सुनता हूँ। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सब जाननी है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द न्यू वर्क नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब लोग 6x6 क्यूबिकल में बैठ के काम करते थे, तो उस समय होता यह था कि अगर कोई दिक्कत होती थी तो मैं बस पलट जाता था, मेरा कलीग रहता था, मैं उससे पूछता था। अब हम 6x6 के क्यूबिकल में नहीं बैठ पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। शायद ऐसा हो सकता है कि हम 6x6 की जगह 3x3 के क्यूबिकल में बैठेंगे। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऑब्वियसली हमें उठ के हमारे कलीग के पास जाना पड़ेगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, भले ही आज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टू बिगिन विथ ये शायद हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हाइजीन, या डिसइंफेक्टिंग द वर्कप्लेस मल्टीपल टाइम्स, सैनिटाइज्ड वर्कप्लेस को सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, लेकिन ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 ऐसी चीजें हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो बिफोर आई गो अहेड, हैव वी ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट्स और द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट अस नॉट ओनली एट होम बट एट वर्क ऑल्सो। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज गो टू द चैट विंडो एंड क्विकली टाइप अ। Brilliant. Thank you very much, my friends. Thank you very much. Yeah?
लेट्स मूव ठीक है लेट्स क्विकली गो अहेड एंड ट्राई एंड नाउ अंडरस्टैंड हाउ डू वी एंश्योर कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं इनको हम ओवरकम कैसे करें सो दैट इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट टू मिनट्स विद यू गाइस ठीक है एंड व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज नथिंग बट 8 सक्सेस टिप्स 8 ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है इनके ऊपर अगर आपने काम किया तो मेरा वादा है आपसे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज होंगी बड़ी और आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा है वो पहला फैक्टर तो पहला फैक्टर है या पहली टिप है आपके लिए सेट अप योर वर्क स्टेशन विद एवरीथिंग दैट यू नीड ये जो मेरे घर पे बैठ के जो मेरे काम करे मेरे वर्क फ्रॉम होम वाले दोस्त है पहले उनके लिए ये टिप मैं कैसे यूजफुल है ये बताऊंगा और उसके बाद दोस्त है उनके लिए ये टिप कैसे यूजफुल है ये मैं बताऊंगा तो जो मेरे वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उन दोस्तों के लिए आपको करना क्या है आपको घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है ठीक है जो कि बहुत कंफर्टेबल हो आपके लिए जो कि आप जहां पे आप एकदम आराम से बैठ पाए और मेक श्योर कर पाए कि आपको जो भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आज मेरे बॉस के साथ मेरे दो कॉल है तो आपने वो जगह चूज कर ली लैपटॉप एकदम परफेक्टली प्लेस कर लीजिए उस जगह पे आपका फोन जो है मेक श्योर करें कि वो पूरी तरह से चार्ज्ड है वो सारे इंटरनेट पैक्स जो आपको चाहिए वो रिचार्ज किए हुए हैं आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मीटिंग करने वाले हैं उसका टेस्टिंग कर लीजिए रेडी हो जाइए अपने काम के लिए आपने एक बार ये कर लिया तो आई एम श्योर जो आपको डिस्ट्रैक्शंस आने वाले होंगे आगे जाके वो आपको नहीं आएंगे क्योंकि आपने यहीं पर टेस्ट कर लिया आपने वो वर्क स्टेशन देख लिया ऑलरेडी वो जगह देख लिया घर पे ठीक है दोस्तों तो ये रहा मेरा पहला टिप अब इसी टिप को मैं ऑफिस के दोस्त कैसे इस्तेमाल कर सकता तो मेरे जो ऑफिस के दोस्त होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका काम होगा दिन भर बैठ के काम करना कुछ लोग होंगे जिन्हें शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स खड़े रह के काम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी एक जगह फिक्स होगी ठीक है तो आपको क्या करना है जो मेरे वर्क फ्रॉम होम वालों को मैंने बताया आपको भी वही करना है जो भी आपकी जगह फिक्स हो जाएगी जहां पे शायद आप खड़े रह के काम करें या बैठ के काम करें आप अपने आपको जो जो चाहिए जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको लेके रेडी रहिए ताकि जब भी आप किसी कॉल पे जाए या मीटिंग पे जाए या अपना काम करे तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो दोस्तों ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी है वो दूसरी टिप ठीक है तो दूसरी टिप जो है वो टिप नहीं है दोस्तों वो एक टूल है जो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल आप एक पेन और पेपर रेडी रखिए अपने पास ठीक है द नेम ऑफ द टूल इज जोहारी विंडो टूल बेसिकली व्हाट दिस टूल मींस इज वी हैव टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट फॉर अस हमारे दिन के जितने भी काम है उनकी एक लिस्ट बनानी है हमें और वो लिस्ट जो है हम इस टूल के द्वारा बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये टूल होता क्या है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लिखा है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ठीक है तो पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है ये करना है ये आप सब मानेंगे और अर्जेंट मतलब आपको अभी करना है ठीक है तो वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट है मतलब और अर्जेंट है जो करने ही है आप ही को करने हैं वो सारे काम आपके आएंगे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले बॉक्स में दोस्तों ये एक बॉक्स है मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसके आगे अगर हम जाए तो हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन नॉट अर्जेंट है कुछ काम ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन अभी अर्जेंट नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं आप उन कामों को शेड्यूल करके रख सकते हैं मतलब आप अपने आप को बता सकते हैं कि दोस्त ये काम अर्जेंट तो है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो एक काम करता हूं मैं इसको 3 बजे कर लेता हूं या मैं उसको 4 बजे कर लेता हूं तो आप उसको शेड्यूल कर सकते ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ काम होते हैं
जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, अर्जेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अभी के सिचुएशन के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे जो काम है आप किसी और को दे सकते हैं, आप किसी और से करवा सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो है, चौथा बॉक्स जो है वो है नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको मेरी टू डू लिस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं अपनी टू डू लिस्ट कैसे तैयार करता हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं सब मेरे फील्ड से नहीं होंगे, सबके अपने अपने फील्ड्स होंगे। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में डालोगे, आपके लिए जो अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है वो आप अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट में डालोगे, उसके बाद आपके लिए जो नॉट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो आप नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में डालोगे, और आपके लिए जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट बिल्कुल अर्जेंट नहीं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारी चीजें आप इसमें डालो, ठीक है दोस्तों। ये जो चीज है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, मुझे बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है मुझे टू एंश्योर मेरा जो दिन है वो परफेक्टली प्लान जाए और मेरा थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हम इसको ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है ऋषभ, ठीक है, देख क्या क्वेश्चन है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ऋषभ एक सुपरवाइजर है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक सुपरवाइजर है, उसने अभी भी ये टूल सीखा है दोस्तों, और सच में उसने ये टूल सीखा है, ठीक है, उसको हमारी हेल्प चाहिए। ये जो COVID-19 ट्रेनिंग की एक्टिविटी है इसको कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे, आपको क्या लगता है? आपको चैट विंडो पे नहीं बताना है, मैं ओपिनियन पोल शूट करूंगा, इसमें चार ऑप्शन होंगे, आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसका उसको एक्टिविटी जो दी गई है फिलहाल वो एक्टिविटी है कि प्लान अ COVID-19 ट्रेनिंग फॉर द एंटायर टीम, मतलब उसके ऑफिस में वो सुपरवाइजर है, उसके लोग अभी अभी ऑफिस आने लगे हैं, तो एक ट्रेनिंग प्लान करनी है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा। तो मैं पोल शूट कर रहा हूँ, आपको वो पोल मिलेगा और आपको आंसर करने, ठीक है, और पोल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन भी है आपके स्क्रीन पे और आंसर ऑप्शंस भी है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए ऋषभ को? बहुत बढ़िया है, बहुत सारे दोस्तों ने आंसर देना भी चालू कर दिया है, आधा मिनट हो गया है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 30 seconds गाइस, कीप योर आंसर्स फ्लोइंग। सुपर, 10 seconds लेफ्ट माय फ्रेंड्स। Thank you very much for helping me with the answer, guys. I'm glad to know that most of us have said that this will go in the urgent and important category. So let us quickly check, you know, whether whoever has answered this as urgent and important, is that right? Whoever have not answered, don't worry. It's okay. As long as we understand the tool in a better way, I think we can do wonders with this tool, guys. Planning a COVID-19 guideline training for the entire team is something which is very, very important in today's time and it is urgent. It has to be done by us. ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको मेरी एक सैंपल टू डू लिस्ट बताऊंगा।
जो मैंने तैयार की हुई है, तो यू कैन टेक अ मिनट, स्पेंड टाइम ऑन दिस एंड लुक एट दिस। इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी कोविड 19 ट्रेनिंग को प्लान करके अपने एम्प्लॉइज के लिए करूं। देखिए अभी मेरे लिए मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, जो रूटीन चेकअप होता है उसका अपॉइंटमेंट करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अर्जेंट है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो कॉल मुझे ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। मैं उसको डेलीगेट भी कर सकता हूँ, मैं मेरी मम्मी डैडी या मेरे वाइफ या फिर मेरे भाई बहन को भी बोल सकता हूँ कि भैया आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो, पर मैं वो अपने टू डू लिस्ट रखूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपॉइंटमेंट आज ही कॉल करके ले ली क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको आज कॉल करना है। ठीक है, एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, मेरे टीवी कनेक्शन का रिचार्ज करना इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। ठीक है, कनेक्शन जो है उसकी वैलिडिटी जो है आज रात तक है, तो मतलब ये मैं शाम को भी कर सकता हूँ या मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म होने के बाद भी कर सकता हूँ। टीवी देखना, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम देखना, ट्विटर देखना, अब इस मोमेंट पे ना मेरे लिए अर्जेंट है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे काम भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टूल प्रॉपरली प्लीज गो टू द चैट विंडो एंड क्विकली लेट मी नो अबाउट इट। Okay, that's great. Yeah, I think I can see a lot of people saying a yes. Don't think for Goa plan after COVID-19. No, I will not, my friend. You know, it is something that I have been planning for a very long time. Pata nahi wo kab execute hoga. Theek hai? Thank you very much for your suggestion, my friend. Theek hai? So thank you guys. Aage badhte hai aur badhte hai hamari teesri tip ki taraf. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये जो टिप है इसका नाम है, एक सेकेंड ना दोस्तों, शायद हाँ सॉरी, तो इसका नाम है अप्लाई अ 90-91 रूल व्हाइल डिसाइडिंग योर शेड्यूल। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ठीक है, पहला जो 90 है जिसने ये रूल बनाया है, मैं जैसा बनाया वैसे आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस रूल को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि पहले 90 दिन, दूसरा जो 90 है वो है दिन के पहले 90 मिनट, और जो 1 है वो एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम, प्रपोजल, आइडिया, उसके ऊपर काम करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं यही चीज का, प्लान अ COVID-19 ट्रेनिंग। सो जैसे ही मैं ये लिख दूंगा कि ये मेरा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, अब अगर आप मेरी टू डू लिस्ट देखोगे तो उसमें तीन चीजें हैं जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन तीन में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए आज की डेट में है वो है COVID-19 की गाइडलाइन ट्रेनिंग करना मेरे सारे एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे एम्प्लॉयज सेफ रहे। ठीक है, तो ये रूल मैं कैसे अप्लाई करूंगा, जैसा मैंने कहा पहला 90 है इज फ्रॉम द डे यू राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट वर्क। मैंने आज लिखा है तो आज से आने वाले 90 दिन रोज सुबह के पहले 90 मिनट मैं ये जो प्लान COVID-19 ट्रेनिंग है मैं इसके ऊपर रोज काम करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी प्लानिंग जो है वो एक हफ्ते में हो जाए और जो 150 एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करने का काम शायद मेरा टोटल 3 हफ्ते में हो जाए। तो जिस दिन ये खत्म होता है उस दिन मैं मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क लूंगा और उसको इस रूल के अंदर फिट कर दूंगा ताकि मैं उसके ऊपर भी काम कर सकूं। आर यू ऑल विथ मी? इफ यू आर प्लीज क्विकली टाइप अ यस ऑन द चैट विंडो।
सो आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ अस हैव अंडरस्टूड द 90-90 रूल. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब ये जो मेरा चौथा टिप है, ये भी एक रूल है. देखिए, मेरा जो दूसरा टिप था वो एक रूल था, जौहरी विंडो. तीसरी टिप थी 90-91 रूल. चौथा टिप है वो भी एक रूल है, विच इज टच इट ओनली वंस रूल, दैट इज कंप्लीट वन टास्क एट अ टाइम. अगर आपने एक टास्क हाथ में लिया है दोस्तों, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप उस टास्क को एंड टू एंड कंप्लीट करें. मतलब जब आप उस टास्क पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोई अर्जेंट आ जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट आ जाए आपके लिए, शायद ऐसा हो सकता है. मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस टास्क इन हैंड, आप इस टास्क को कंप्लीट कीजिए और फिर अपने टास्क पे जाइए. मल्टी टास्क मत कीजिए इज व्हाट दिस रूल सेज. टच इट ओनली वंस. किसी भी चीज को एंड से जो भी आपको करना है उसको आप खत्म कीजिए. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. देखते हैं हमारी पांचवी टिप. Schedule your breaks to help you mentally check out and check back in. दोस्तों, breaks schedule करना बहुत जरूरी है. एक simple tip देता हूं मैं आपको. आप अपने breaks को 15 मिनट, 30 मिनट और एक 15 मिनट ऐसे schedule कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको उसको change करना है, तो आप अपने हिसाब से change कर लीजिए. ये breaks भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वो time है जब आप अपने family से बात कर सकते हो. ये वो टाइम है जब आप अपना सोशल मीडिया देख सकते हो. ये वो टाइम है जब आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस. लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द सिक्स्थ टिप. सिक्स्थ टिप है, चूज टू ईट वेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ अच्छा खाना नहीं खाए, समय पर खाना खाए. समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है दोस्तों, उससे हमारी सेहत बनी रहती है. और अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो है हमारी सेहत. सो मेक श्योर दैट वी ईट वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ईट ऑन टाइम गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की ओर. कितना भी टेम्पटेशन हो दोस्तों, कितना भी टेम्पटेशन हो, प्लीज अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कीजिए न्यूज देखने का. जो भी चल रहा है आजू बाजू में, मुझे पता है हम सब लोगों को अपने आप को अपडेटेड रखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. जैसा मैंने कहा, अपना जो ब्रेक टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए न्यूज देखने के लिए. अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बजे कोई अनाउंसमेंट होने वाला है और आप 5 बजे ब्रेक नहीं ले पाओगे, तो आपको करना क्या? 5 बजे ब्रेक ले रहा है, मेरे ऑफिस के दोस्त है, उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी 5 बजे ब्रेक ले रहा है, आप उनको बोल सकते हो कि भैया ये अनाउंसमेंट होने वाली है, प्लीज जरा देख के मुझे बता देना. अगर अगर आपको लगता है कि आपको मालूम रहना चाहिए उस समय, तो आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं. अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, तो आप घर के किसी मेंबर को बोल सकते हो 5 बजे वो न्यूज आने वाली है, प्लीज उसे देखना और आके तुरंत मुझे 1-2 मिनट में बताना कि वो उसमें क्या बताया गया. लेकिन एज फार एज पॉसिबल, जैसा मैंने कहा, अपने टेम्पटेशन को रोक रखिए अपने ब्रेक टाइम के लिए, ठीक है. क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका फोकस जो है वो आपके काम पे ज्यादा रहेगा और आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा. एंड द लास्ट टिप, यू नो दे कॉल इट द लास्ट टिप, बट आई कॉल इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, यू नो, विच इज चेक योर लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू हैड प्लान्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द डे completed. In simple terms, एक recap कर लीजिए दोस्तों. बहुत बहुत जरूरी है एक recap करना, क्योंकि ये recap बताएगा कि क्या वो चीजें हैं जो हम कर पाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लिस्ट में डाली थी और मैंने उसको कंप्लीट किया. जब आप इसको देखोगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत बढ़िया, मैंने आज बहुत बढ़िया किया, मैंने 5 चीजें लिख के रखी थी, उसमें से 4 चीजें मैंने कंप्लीट कर दी. प्रोडक्टिविटी आपकी पे चली जाए, आगे जाके आप 150% भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं. ठीक है, तो ये है मेरे 8 टिप्स जो मैं आपको सबको देना चाहता था, और मैं चाहूंगा कि इन टिप्स का आप उपयोग कीजिए. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. बहुत बढ़िया लिखा है श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी जी ने, और जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज. दोस्तों, मुझे बहुत गर्व है ये बताऊंगा, पानी जी की कंपनी में काम किया है.
you know, I've been an employee of Reliance in the past, and I'm very, very glad that, you know, I've been a part of such a beautiful organization and, you know, such a motivating managing director that we have. So what he says is, it is important to remember that there are no overnight successes. तो जो मैंने 8 टिप्स आपको बताई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जोहारी बंडो रूल बताया तो कल आप उसमें मास्टर हो जाओगे. यू नो, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, जैसे मैंने वंस रूल बताया है, जोहारी बंडो बताया, दोस्तों इनको रोज 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 प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब आप इनको रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इस पे मास्टरी आएगी. ये ओवरनाइट हमें सक्सेस नहीं मिल सकता. आज आपने टिप्स पढ़ ली तो कल से आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते. यू नीड टू बी डेडिकेटेड, यू नीड टू बी सिंगल माइंडेड, you know, focused, because there is no substitute to hard work, guys. कोई भी substitute नहीं. आपको के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों. ठीक है? तो with this thought, I would like to let you know that it was absolutely wonderful for me to discuss about the productivity tips. So quick understanding about our journey, guys. Again, a quick recap. जैसा मैंने बोला, recap बहुत जरूरी है. तो हमने शुरुआत की थी adapting mindset, अपने mindset को खोलने की, infinite बनाने की. उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे सामने जितनी भी opportunities है हम उनको cash in करें. कैसे हम ये ensure करें कि हमारी जो भी opportunities है वो waste ना जाए. 75% opportunity mantra का उपयोग करके. और आज हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे घर पे या हमारे वर्कप्लेस पे हमें अफेक्ट करते हैं दोस्तों. और फैक्टर्स को जो है, इन फैक्टर्स को हमें नलिफाई करना है दोस्तों. ठीक है? सो आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड दैट आई वाज एबल टू ब्रिंग दिस आउट टू यू गाइस. ओके, बिफोर आई ओपन दिस फोरम फॉर क्वेश्चंस, I want to thank all of you for attending this webinar, guys. You know, I hope that all of you enjoyed it as much as we at Skillfund enjoyed bringing these webinars to you, bringing this series to you guys. There is a feedback form that will be sent to you at the end of this webinar. But something very important, guys. Yeah, this is not the end. We want to help you succeed. We want to help you succeed as a team. We want to help you succeed as an individual, guys. Yeah. When it comes to we wanting to devise a customized learning program, it could be either in the form of a webinar, or tomorrow when things become a little better, it could be a personal training as well. You know, things like preparing yourself for the new normal, that is the COVID-19 guideline and working styles. Guys, we've already been, doing this for other organizations as well. So if you feel that this is very important and you need to do it for your team, your organization, the number to call and the email address to send us an email and let us know about it is mentioned below, guys. Yeah. If you feel that, you know, you want to start a business, we are there to help you. We are there to mentor you. If you feel that you want to get your dream job and you want help on how to get that dream job, we are here for you. We will mentor, we will coach you, we will help you in all those things. Again, the number to call is available at the bottom and the email address is also reflected. I will also request you that follow us and learn from us every day from all the social media platforms that are on the screen right now for you guys. I want to once again thank all of you for being here, and I would like to throw this forum open for any questions that you may have, my friend.